अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदावर्ज, कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। तो अपने दिन की शुरुआत मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज के साथ। कभी कभी तो मैं दिन में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ सुबह, और कभी कभी ना दोपहर को या फिर इवनिंग के टाइम में एक्सरसाइज कर पाती हूँ। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी आप लोगों को, तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सर्दी हो गई है मेरे को, तो आवाज़ थोड़ी सी ना चेंज हो गई है। तो एक्सरसाइज करने का जो टाइम होता है ना, वो मुझे ऐसे दिन में मिलता नहीं है, वो मुझे निकालना पड़ता है अपना शेड्यूल सेट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है मेरा पूरे दिन। तो एक्सरसाइज करते वक्त भी ना मैं खाली एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो मैं चला लेती हूँ टीवी, जो कि आपको थोड़ा सा ना दिख ही रहा होगा साइड में कि टीवी चल रहा है। और टीवी चलते चलते ही ना साथ साथ मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, इससे क्या है ना एक रिदम भी सेट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ना टीवी चल रहा होता है उसी तरीके से हाथ पैर भी चलने लगते हैं उसी रिदम में। तो मैं इससे बोरियत भी फील नहीं होती, वरना आधा घंटा पास करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे ही खाली एक्सरसाइज करने में। तो मैं या तो गाने लगा लेती हूँ टीवी पे, या फिर कुछ भी जो कुछ मेरे को देखना होता है, वेब सीरीज़ या मूवी वगैरह, क्योंकि ऐसे तो समय मिलता नहीं है टीवी देखने का, बस ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं देख लेती हूँ। मुझे मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ऐसे ही देखती हूँ वो। तो मैं एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, मेरा टीवी भी चलता रहता है। तो और एक्सरसाइज का भी ना ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि मुझे यही एक फिक्स एक्सरसाइज करनी है, जैसे मुझे याद आती है, जो मेरा मूड होता है मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पूरी बॉडी चल जाए मेरी, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाए, हैंड, लेग, कमर, पेट, थाइज, हिप्स, सबकी एक्सरसाइज हो जाए मेरी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव कर सकूँ। और एक्सरसाइज करने का ऐसा कोई स्पेशल फंडा नहीं होता है दोस्तों, बस अगर आपको एक्सरसाइज करनी नहीं आती ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको ना अपने हाथ पैरों को मूव करना है, और बस वही एक्सरसाइज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर लीजिए अपने हाथ पैरों की। तो मुझे जैसे जो एक्सरसाइज याद आती है, समझ आती है, मैं वैसे ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। थोड़ी देर मैं ना 1 मिनट वॉक कर लेती हूँ, और अपने पैरों को हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करती हूँ, जिससे कि ना मतलब पैरों की जो नसें हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं एक्सरसाइज करने के बाद। हर एक्सरसाइज के बाद ना थोड़ी देर आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी देर ना हमको रिलैक्सिंग करनी चाहिए, ये नहीं कि लगातार कंटिन्यूस ना एक्सरसाइज ही करते जा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना चाहिए, ताकि आप एकदम से थको ना। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप एक बार एक्सरसाइज शुरू कर लो ना, तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारी बॉडी में, और फिर जब हम छोड़ देते हैं और फिर हमको फिर से एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ती है, तो बार बार पेन होने की वजह से ना दिक्कत होती है। तो इसलिए एक बार पेन बर्दाश्त करके जब एक्सरसाइज शुरू कर ही दिए, तो इसको अपने लाइफ शेड्यूल में सेट कर दें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज डेली करते रहें, ताकि बार बार ना उस पेन को झेलना ना पड़े जो एक्सरसाइज शुरू करते वक्त होता है। क्योंकि एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिलता ना, और मेरी एक्सरसाइज का शेड्यूल बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, और फिर जब मैं फिर से शुरू करती हूँ, तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला दर्द होता है मेरे तो। तो कुछ एक्सरसाइज कर ली है मैंने बेड पे बैठ के, कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं ज़मीन पे खड़े होकर, और कभी कभी मैं ना बेड पे लेट के एक्सरसाइज भी करती हूँ। मुझे बेड पे लेट कर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाती है वो सारी एक्सरसाइज। तो आप लोग भी मेरी एक्सरसाइज को देख कर ना ट्राई कर सकते हो। और ये ना कूदते में ना मेरे गले में जो ताबीज पड़ा हुआ है वो टूट कर बिखर गया था, तो मैंने उसको उठा के फिर से लगा लिया। तो मेरा ना ये टोटल आधे घंटे का शेड्यूल है एक्सरसाइज का, और ये ना मेरा बीच में छूट गया था, मैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, बट अब मैं डेली एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँगी, और आपको मेरी हर वीडियो में ना मेरी एक्सरसाइज दिखाई देंगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी दिन एक्सरसाइज ना कर पाऊँ, तो मैं थोड़ी देर ना वॉक कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्टेमिना को बढ़ा के रखने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना 32 बार फॉर्मूला फॉलो करके, उसको भी ना मैं कभी कभी पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाती। तो अगर साथ में एक्सरसाइज भी करते तो हमारा स्टेमिना भी बढ़ेगा, और साथ में हमें वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा फायदा होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, फैट कम करने के बाद ना हमारी जो मतलब खाल है, जो हमारी स्किन है ना, वो लटकती नहीं है, और इसका सबसे अच्छा कारण है एक्सरसाइज करना। तो आप सब लोग भी ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। तो एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने पिया था एक ग्लास गुनगुना पानी, और साथ में ही ना मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी काले वाले चने, तो मैंने ना इनको उबालने के लिए रख दिया था, और रात को जो मैंने दही जमाया था वो जम चुका था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा जमा है। एक साथ ही ना मैंने 2 लोटे भर के दही जमा दिया था, तो दोनों में बिल्कुल अच्छे से दही जम गया था। इसके बाद ना फिर मैंने उन चनों को बॉईल किया अच्छे से,
और फिर बॉईल करके ना, इनको पसंद है छौंक के चने, तो मैंने आज छौंक कर ही चने बनाए हैं। और एक तरफ ये पानी मेरा गर्म हो रहा था, इसको मैंने आराम से ज़मीन पे बैठ के ना सिप सिप करके पी लिया था। आप सब लोग भी ना सुबह उठकर 1 से 2 ग्लास पानी गर्म करके ज़रूर पिया करो। वैसे तो ना मैं उठते ही, मतलब मैं ना बेड पे ही पानी पी लेती हूँ सादा, जो भी मैं अपने पास भर के रखती हूँ, और फिर उसके बाद मैं ना गर्म पानी पीती हूँ। और आज कोई वेट लॉस ड्रिंक नहीं बनाई थी मैंने, सिर्फ इसमें ना 1 चम्मच शहद ऐड कर लिया था। ये जो मेरा शहद है ना, ये छत्ते से निकलवाया वाला ऑर्गेनिक शहद है, जो मतलब गलियों में घूमते हैं ना कि छत्ते से शहद निकाल के दे देते हैं, मैंने ये उनसे निकलवाया था। तो ये बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक शहद है। तो मैं जब मैं कोई भी वेट लॉस ड्रिंक नहीं बनाती ना, तो मैं 1 चम्मच शहद डाल के पी लेती हूँ। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, शहद से वेट लॉस में तो है ही, साथ ही साथ ना ये आपके गले को बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है। अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह है तो ये उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, गले की खराश को भी बिल्कुल ये ठीक कर देता है। बाद में आ गई थी छत पर धूप में और आराम से ना इसको सिप सिप करके पिया था। सर्दी हो रही है थोड़ी, तो धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। और इतनी देर में ना मैं किचन में आई थी, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि मैंने चने रख दिए थे उबलने के लिए, तो ये भी उबल चुके थे। उसके बाद मैंने इनको ना छान लिया था एक चलनी में, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद चने फ्राई किए थे। इतनी देर में ना मैंने नहा धोकर पूजा कर ली थी और मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर नहाने से पहले ना तैयारी कर जाओ ना, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है ब्रेकफास्ट बनाने की, फिर फटाफट से ना ब्रेकफास्ट बन जाता है और समय भी वेस्ट नहीं होता। और फिर मैंने ना पूजा करके आके पहले दूध बॉयल किया था, क्योंकि दूध वाला आ चुका था, वो दूध दे चुका था। दूध बॉयल करने के बाद मैंने बनाए थे चने। चने में ना जितनी ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन पति देव को फ्राइड पसंद है, मतलब चने। तो पहले मैं ना हींग जीरे में छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर उसमें सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ। और 2 तरीके से मुझे बनानी पड़ती है हर चीज़, क्योंकि पति देव प्याज नहीं खाते और मैं और हनु खा लेते हैं। तो पहले बनाती हूँ बिना प्याज की हर चीज़, और फिर ना फिर प्याज बनाती हूँ। यार ये वाली हरी मिर्च इतनी ज़्यादा तीखी थी ना, कि ना फ्राई करके जब मैंने ये बना दिया, उसके बाद ना मैंने चनों में से सारी की सारी हरी मिर्च निकाल दी थी, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा चटपटे चने हो गए थे। लेकिन इन वाली हरी मिर्च को हमको फेंकना नहीं है, जो मैंने भी आपको दिखाई थी ना, इनको ना मैंने बाद में दोपहर में लंच टाइम में पुलाव बनाया था, मैंने उसमें डाल दिया था। तो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है हमको, हर चीज़ का रीयूज़ करना आना चाहिए। सॉरी गाइज, मेरी एक नाक ना बंद है, तो आवाज़ शायद थोड़ी सी ना चेंज आ रही होगी, तो हंसना मत। बाकी आप सब लोगों को पता है कि जब सर्दी होती है ना, तो आवाज़ चेंज हो ही जाती है। और चाय, आप सब लोगों को मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं फीकी चाय पीती हूँ। दूध और चाय हमेशा फीका पियेंगे आप, तो कम से कम कुछ तो चीनी कम हो जाएगी, कुछ तो कैलोरी कम हो जाएगी। बाकी मीठा खाना अवॉइड कीजिए अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं। कभी कभी सब कुछ चलता है, वो कोई टेंशन नहीं होती, मैं भी खाती हूँ कभी कभी सब कुछ, लेकिन डेली यूज़ में आप बंद कर दीजिए। उसके बाद ना मेरे को मतलब मेरा ब्रेकफास्ट होने के ना 3 घंटे हो चुके थे, और पतिदेव अभी खाना खाने के लिए नहीं आए थे, तो मुझे भूख लग रही, तो मैंने खा लिया था 1 केला 32 बार चबा चबा के अच्छे से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप सब लोग सोचते हो कि फ्रूट्स कैसे चबाएं, तो भाई देख लो, इस तरीके से ना हर फ्रूट को 32 बार चबाया जा सकता है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। उसके बाद दोपहर को बनाया था मैंने लंच में पुलाव, और खीरे काट लिए थे मैंने सैलड में, और पुलाव में इनको आलू पसंद है, मैं उसमें डालती हूँ सोयाबीन की बरी। सोयाबीन की बरी ना जल्दी फूल जाए, इसके लिए मैंने उनको गर्म पानी में भिगो दिया था, और इसमें डाल दी थी मैंने मटर। इसके अलावा इनको और सब्जियां पुलाव में पसंद नहीं है, बस मटर, सोयाबीन की बरी, आलू, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो ये सब कुछ मैंने कर लिया था, साथ में सैलेड में काट लिए थे खीरा। भाई देखो, जितनी ज़्यादा सब्जियां खाओगे ना, उतनी जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। तो इस टिप को प्लीज़ मेरी ज़रूर फॉलो करना, ये 1000% काम करती है। जितनी ज़्यादा सब्जियां खाओगे, उतनी कम कैलोरी आपकी बॉडी में जाएगी, और आपको भूख भी ना कम लगेगी। तो जब भी भूख लगे भाई खीरा खा लो। वैसे भी गर्मियों का मौसम है, खीरा इस वक्त सस्ता हो चुका है, और खीरे में कैलोरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और पानी होता है बहुत ज़्यादा, 96% पानी पाया जाता है खीरे में। तो जब भी भूख लगे खीरा काट के खा लो, खीरे का शेक बना लो, खीरे का रायता बना लो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर मैंने ना पुलाव छोंक दिया था। मैं ना पुलाव को बनाती हूँ सरसों के तेल में। जितना ज़्यादा सरसों का तेल खाओगे, उतना ज़्यादा वेट लॉस होगा, ऐसा कहते हैं। तो सारे के सारे ऑयल छोड़ के ना सरसों के तेल में खाना बनाया करो, और बाकी का जो खाना सरसों के तेल में नहीं बन सकता, उसको देसी घी में बनाया करो। बाकी फिर मैंने मसाले डाल के ना पुलाव छोंक दिए थे, और उसके बाद फिर लंच में खाया था पुलाव। और सुबह के जो मेरे चने थे ना, वो हो गए थे हैवी, तो मैंने बहुत थोड़ा ही पुलाव खाया था, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगी। और इसमें 1 सीटी भी नहीं ली थी मैंने, क्योंकि मैंने चावल भिगो दिए थे, तो 1 सीटी से पहले ही जैसे सुन सुन की आवाज़ आती है ना कुकर में, उसी में ना मैंने इस कुकर को बंद कर दिया था।
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पुलाव बना था ये, और मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि सुबह से ना पेट भर रहा था। मटर वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से डाल दी थी, और आपने बीच में देखा होगा कि वो जो छोटी कटोरी में हरी मिर्च थी ना, वो वही वाली हरी मिर्च थी जो सुबह मैंने चने में से निकाल ली थी, क्योंकि चने बहुत ज़्यादा चटपटे हो गए थे। तो उसके बाद पुलाव बन के तैयार है, पतिदेव को दे दिया, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है पुलाव, बट मेरा पेट भर रहा था तो मैंने थोड़ा सा ही खाया था, साथ में ले लिया था खीरा। खीरा तो मैंने भाई काटते काटते ही खा जाती हूँ, तो थोड़ा ही लिया था, थोड़ा सा पुलाव खाया था। आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और आपको मिल रहे होंगे बहुत सारे काम के टिप्स। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रात के डिनर में मैंने बनाई थी बाजरे की रोटी, मुझे बाजरे की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बाजरे की जो रोटी होती है ना, ये हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम करती है। साथ ही ये बहुत ही बेहतरीन मिलेट्स होता है, इसको कहते हैं काली रोटी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चबाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 32 बार का फॉर्मूला मैंने जब से शुरू किया, मुझे गेहूं की रोटी खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बाजरे की रोटी बना लेती हूँ अपने लिए। साथ ही साथ ना मिक्स आटे की भी रोटी बनाती हूँ, उसकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी कि वो वाला आटा कैसे बनाया। इसके साथ मैंने खाया था पालक आलू की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और पालक में होता है बहुत सारा आयरन, तो भाई जब वेट लॉस वगैरह कर रहे हो तो आयरन का थोड़ा सा ध्यान रखना, आपकी बॉडी में आयरन कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ विटामिन B12 और विटामिन D3 का भी ध्यान रखना, तो धूप लेना, और अगर नहीं ले सकते हो तो विटामिन D3 के पाउच आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, उनको ज़रूर लेना। और साथ ही साथ अपने प्रोटीन का ध्यान रखना, प्रोटीन हमारी बॉडी में अच्छा जाना चाहिए, तो इस तरीके के जो मिलेट्स होते हैं जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, इन सब प्रोटीन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और फैट इनमें होता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इनमें ग्लूटेन भी होता, तो ये वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो गेहूं को छोड़ के ना कुछ दिन इन वाले मिलेट्स की रोटियां खा लो, तो वेट लॉस में बहुत ज्यादा फायदा करती हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं तो यही खाती हूं। और बाकी अपनी वेट लॉस की थाली रात की डिनर वाली दिखाती हूं मैं आपको। मैं खाती हूँ रोटी कम, सब्जियाँ ज़्यादा, और आप सब लोगों से भी ना यही कहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट कम करो और वेजिटेबल फ्रूट्स की मात्रा डबल कर दो, तो वेट लॉस करने में जल्दी फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। और उसके बाद भाई आइसक्रीम खा ली थी, जो कि मैं आपको दिखाई रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा जुकाम बढ़ गया है। लेकिन भाई आइसक्रीम को देख के ना कंट्रोल नहीं होता, आप लोगों को भी नहीं होता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम, जब भी मिल जाए जैसे भी मिल जाए मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो आइसक्रीम खा ली थी। इसके अलावा ना सुबह की चाय के अलावा मैंने शाम को भी चाय पी थी एक कप, जो मैं दिखाना भूल गई आपको, शूट नहीं कर पाई, ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे तो उनके साथ ही मैंने चाय पी ली थी। बाकी आइसक्रीम खाने का मज़ा तो आप देख ही लो, इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता, मेरी फेवरेट चीज़ है आइसक्रीम, कितने भी कभी भी कैसे भी खिलवा लो। उसके बाद ना खाने के 3 घंटे बाद रात को सोने से पहले ना मैं एक ग्लास दूध ज़रूर पीती हूँ, वाला कप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन पूरा नहीं भरती हूँ, इसमें लगभग एक ग्लास ही दूध होता है, जो मीडियम साइज़ के जो ग्लास होते हैं ना हमारे वो वाले, और गर्म गर्म दूध पीना चाहिए रात को सोने से पहले। गर्म दूध पीने से ना सुबह सुबह हमारा प्रेशर अच्छे से क्लीन होता है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो उसके साथ त्रिफला या फिर मृग का भी ले सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को अपने कुछ मित्रों तक शेयर जरूर